नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव चौधरी, सिविल पाठशाला में सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए और एक नया इंडियन हाउस प्लान लेके आए हैं। फ्रेंड्स, आप यहां पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, यही हाउस प्लान के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज कुछ डिफरेंट बात करेंगे। ये जो हाउस प्लान है, ये बेसिकली रेंटल पर्पज़ के लिए है, क्योंकि प्लॉट में 2 BHK का 2 फ्लैट बनाया गया है, तो इसमें रेंटर पर्पज़ के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं एंड खुद एक प्लॉट में रह सकते हैं, दूसरे प्लॉट को आप रेंटल दे सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो एरिया रहेगा 28 फीट बाई 67 फीट का रहेगा। टोटल 1850 से 1900 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट होगा। बेसिकली मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि सर, इसी प्लॉट के साइज़ के हिसाब से आप एक रेंटल हाउस प्लान बनाइए, तो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इसका सारा डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ आज। वॉल साइज़, बिल्डिंग कॉस्टिंग एंड हर एक रूम्स का साइज़। ओके, तो अभी देख लेते हैं। फ्रंट में हम लोगों को कुछ इस तरीके का मिल रहा है। फ्रंट से एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक आपको बिग साइज़ का डोर मिलेगा, जो कि पोर्च का डोर है। पोर्च से ही हम लोगों को एंट्री मिलेगा। फर्स्ट यहाँ से एंट्री मिलते ही आपको पोर्च मिलेगा। 12.5 फीट बाई 14 फीट का पोर्च आपको रहेगा। यहाँ पे एक 4-व्हीलर एंड 2-3 2-व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। एंड राइट हैंड कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टेयर। क्लॉकवाइज वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेयर प्रोवाइड किया गया है। एंड स्टेयर जो लेंथ दिया गया है 3.5 फीट करके है, ट्रेड 10 इंची करके दिया गया है। ओके, एंड इसके बाद स्टीयर साइज़ में आ जाते हैं। स्टीयर सेक्शन का टोटल साइज़ जो रहेगा फ्रेंड्स, 14.5 फीट बाई 7 फीट का ये स्टीयर सेक्शन है। अभी फर्स्ट जो ये फ्लैट है, यहाँ का एंट्री भी इस कॉर्नर से है एंड सेकेंड जो फ्लैट है, इसका एंट्री भी इस कॉर्नर से है। ओके, तो ये जो पैसेज है, ये कॉमन पैसेज है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं स्टीयर हम लोग प्रोवाइड किए। क्यों प्रोवाइड किए हैं? क्योंकि ये जो लेबल है, पोर्च का जो लेबल है, इससे थोड़ा हम लोग अप किए हैं। ओके, पोर्च है रोड लेवल से 6 इंची हाई एंड ये जो प्लॉट है, प्लिंथ लेवल जो है, पोर्च से 18 इंची हाई, टोटल 12 इंची ग्राउंड लेवल से हाई हो गया आपका जो प्लिंथ है। ओके, तो ये जो स्टीयर है, इससे हम लोग अप करेंगे तो ये पैसेज आपको मिल जाएगा। पैसेज का जो एरिया है 4 फीट बाई 26 फीट 3 इंची आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्रिल वगैरह हम लोग प्रोवाइड करेंगे। 4 फीट बाई 20 फीट यहाँ पे हम लोग एक ग्रिल जैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड फर्स्ट हम लोग एंट्री कर लेते हैं फर्स्ट फ्लैट में, तो इस डोर से हम लोग एंट्री करेंगे। 3 फीट का डोर रहेगा। इस डोर से एंटर करते ही आपको यहाँ पे ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया मिल जाएगा, 12 फीट 6 इंची बाई 17 फीट 9 इंची। एंड यहाँ पे आर्क देके एक डोर प्रोवाइड किया गया है, जो कि है किचन का डोर। ओके, किचन का जो साइज़ रहेगा फ्रेंड्स 8 फीट बाई 7 फीट 6 इंची। फर्स्ट बेडरूम जो यहाँ पे आपको मिलेगा, इस डोर से एंट्री करेंगे, यहाँ पे छोटा सा एक पैसेज जैसा प्रोवाइड किया गया है। देन इस डोर से एंटर करते ही आपको मिलेगा एक छोटा सा बेडरूम, जो कि है 14 फीट बाई 11 फीट का ये डोर है। प्रॉपर वेंटिलेशन दिया गया है। एंड सेकेंड बेडरूम जो यहाँ पे आपको मिल रहा है 9.5 फीट बाई 13.5 फीट। ओके, इस डोर से एंटर करेंगे इस बेडरूम पे। ओके, एंड एक कॉमन टॉयलेट कम बाथ प्रोवाइड किया गया है, एक अटैच टॉयलेट कम बाथ प्रोवाइड किया गया। आप देख लीजिएगा, इस बेडरूम से अटैच टॉयलेट कम बाथ प्रोवाइड किया गया है 4.5 फीट बाई 7 फीट 3 इंची का, मतलब 4 फीट 6 इंची बाई 7 फीट 3 इंची का। एंड जो कॉमन टॉयलेट कम बाथ है, ये भी सेम साइज़ का है, 4 फीट 6 इंची बाई 7 फीट 3 इंची का। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे 6 इंची इसको घटा के इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन है। सेकेंड फ्लैट में आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो डोर है, इस डोर से एंट्री करेंगे, 3 फीट का डोर दिया है। एंड प्रॉपर यहाँ पे आपको मिल जा रहा है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया बिग साइज़ का, 17 फीट बाई 14 फीट 3 इंची का। एंड इसी के साथ ही आपको 2 बेडरूम मिल रहा है ड्राइंग एरिया से ही। ओके, अभी हम लोग बेडरूम में आ जाते हैं। बेडरूम का जो साइज़ रहेगा फ्रेंड्स,
12 फीट 6 इंची बाई 10 फीट 6 इंची इस बेडरूम का साइज रहेगा एंड इस बेडरूम का साइज जो रहेगा 14 फीट बाई 10 फीट 6 इंची। प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे मेंटेन किया गया है एंड ड्राइंग एरिया भी आपको वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, आर्क देके यहाँ पे एक डोर दिया गया है किचन का डोर जो कि ओपन रहेगा। किचन साइज 9 फीट 6 इंची बाई 8 फीट। किचन में भी प्रॉपर वेंटिलेशन दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया गया जो कि बिग साइज का 9 फीट 6 इंची बाई 5 फीट 9 इंची। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिएगा हर एक डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। अभी वॉल साइज भी बताएंगे आपको, जो यहाँ पे जितना सारा ब्लू कलर का देख रहे हैं, ब्लू कलर का जितना सारा देख रहा है ये वॉल है। ओके, ये 6 इंची का वॉल आपको देखने को मिलेगा। 6 इंची का वॉल यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे टोटल प्लॉट में। ओके, अभी इसका अगर कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो अप्रॉक्स ग्राउंड फ्लोर बनाने में आपको 22 लाख खर्चा पड़ सकता है। 22 लाख अगर खर्चा करेंगे तो इसका ग्राउंड फ्लोर निकल के आएगा। ये अप्रॉक्स मैं क्यों बताया, क्योंकि जगह के हिसाब से वेरी कर सकता है। आपके मटेरियल कॉस्ट कितना है आपके जगह के हिसाब से वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ओके, अभी ये प्लान आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर प्लान पसंद आया तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नया नया इंडियन हाउस प्लान हम लोग इसी चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप लोगों को कुछ नॉलेज मैं दे पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।